हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और एक बार अगर आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे एवरी वीक हम उसको बनाएं। हाँ, मैं आज बनाने वाली हूँ आपके साथ गवार आलू की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लग रही है ना टेस्टी, आपका भी मन कर रहा है ना कि हम भी झटपट बनाए और उसको खा लें। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंने लिया है आधा किलो बीन्स और उसको अच्छे से धो गया, और मैंने काट लिया है थोड़े बड़े मोटे टुकड़े में, और साथ में लिया है एक ओनियन, उसको बारीक काट लिए हैं। दो लिए हैं आलू, उसको भी मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। एक टमाटर बड़ा, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा जो है अखा लहसुन। अभी मैंने एक पैन में, एक कढ़ाई में डाला है तेल, उसमें जीरा और थोड़ा सा हींग और थोड़े से दाने राई के डाल दें, क्रैकर होंगे तो ओनियन डाल देंगे। ओनियन डाल दिया, अभी ओनियन जब ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्ची। और गाइस, जो मेरे चैनल पर नए हैं और उनको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पर उसको डाल दीजिए ताकि जो मेरी रेसिपीज़ हैं या मेरा ब्लॉग है आपको झट से मिल जाए। तो देखिए इस टाइम पे गाइस, जब हम अपने ओनियन को भूनते हैं तो उस टाइम अगर हम आलू भी इसमें साथ में भून लेना तो आलू का टेस्ट ना दो गुना हो जाता है, और सब्जी में भी खाने में चार चांद लग जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये ट्रिक अपनाइएगा। अभी मैंने जिंजर गार्लिक भी इसमें डाल दिए हैं, तो ये सारे मसाले जो हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स साथ में भुनेंगे और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उस टाइम पे डाल देंगे हम लोग इसमें बीन्स। देखिए कितने अच्छे से कलर आ गए हैं। इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें बीन्स ऐड कर देंगे और उसको भी 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। देखिए 5 से 10 मिनट तक हो गए हैं, मैंने उसको डाल दिया है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस टाइम पे हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच किचन किंग मसाला, और एक चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची भी इसमें ऐड की हुई है, और एक चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक, और जो मैंने टमाटर बारीक काट के रखे थे इसको मिक्स करके और टमाटर ऊपर से डाल दूंगी, और इसको 5 से 10 मिनट तक इसको स्टीम पे रख दूंगी, और ये टमाटर जो है अपने आप ही अच्छे से गल जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बस उसके बाद हम नमक चेक करेंगे और हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, और ये खाने के लिए रेडी है। अभी हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और हमारे बीन्स जो है रेडी हो जाएंगे। देखिए रेडी हो गए हैं, और हरा धनिया डालेंगे, नमक आप टेस्ट कीजिए और खा लीजिए। तो आप भी बनाइए। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।